अभी टुनिशा का 4 तारीख को बर्थडे है, मैं उसका बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रही थी 3 तारीख की रात को, 23 दिसंबर को रात को उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि फलक क्या प्लान है बर्थडे का, तुम क्या प्लान कर रही हो। और मैंने उनको क्लियरली बताया था, आंटी मैं बर्थडे प्लान कर रही हूँ, आप 4 तारीख को उसकी पार्टी रख रही, क्योंकि उनको एक ग्रैंड लेविश पार्टी रखनी थी विद मीडिया, तो उन्होंने कहा था कि मैं 4 तारीख को कहीं बाहर पार्टी रख रही हूँ और तुम लोग उसका। फिर मैंने उनको ये कहा था कि आंटी ठीक है, मैं उसका ब्रिंग इन मनाना चाहती हूँ, क्योंकि टुनिशा मीडिया नहीं चाहती थी, टुनिशा को ये सब नहीं पसंद होता था, उसको फैमिली पसंद होती थी, तो उसको मैं वो फैमिली देना चाह रही थी, वो फैमिली टाइम देना चाह रही थी 3 तारीख की रात को। और ये बात टुनिशा भी जानती थी कि आप ही कुछ सरप्राइज प्लान कर रही है। बात है वनीता शर्मा के रिलेशनशिप की फैमिली के साथ, जो उन्होंने कहा कि इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। मैं आपको बताऊं, शिजान की बर्थडे पे वनीता शर्मा इनवाइटेड थी, हमारे पास प्रूफ है, फोटोज़। 9 सितंबर मैंने लोखंडवाला में पार्टी रखी थी और वो शिजान को साथ में लेके आई हैं अपनी गाड़ी में बैठा के। दूसरा, वो दिवाली पे आई थी, खुद सामने से आई थी हमारे घर में। उसके अलावा अभी टुनिशा का 4 तारीख को बर्थडे है, मैं उसका बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रही थी 3 तारीख की रात को, 23 दिसंबर को रात को उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि फलक क्या प्लान है बर्थडे का, तुम क्या प्लान कर रही हो। और मैंने उनको क्लियरली बताया था, आंटी मैं बर्थडे प्लान कर रही हूँ, आप 4 तारीख को उसकी पार्टी रख रही, क्योंकि उनको एक ग्रैंड लेविश पार्टी रखनी थी विद मीडिया, तो उन्होंने कहा था कि मैं 4 तारीख को कहीं बाहर पार्टी रख रही हूँ और तुम लोग उसका। फिर मैंने उनको ये कहा था कि आंटी ठीक है, मैं उसका ब्रिंग इन मनाना चाहती हूँ, क्योंकि टुनिशा मीडिया नहीं चाहती थी, टुनिशा को ये सब नहीं पसंद होता था, उसको फैमिली पसंद होती थी, तो उसको मैं वो फैमिली देना चाह रही थी, वो फैमिली टाइम देना चाह रही थी 3 तारीख की रात को। और ये बात टुनिशा भी जानती थी कि आप ही कुछ सरप्राइज प्लान कर रही है। तो बात यहाँ पे इस चीज़ पे ख़त्म होती है कि उनका फैमिली में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो गलत है, फैमिली में बराबर इन्वॉल्वमेंट था। जिस दिन ये शूट फर्स्ट एपिसोड इनका लॉन्च हुआ था, लॉन्च पार्टी वाले दिन वो हमारे घर में थी, हम लोगों ने सेट पे उनका टेलीकास्ट देखा, उसके बाद सारे लोग सीधा एक्टर्स को मिला के, टुनिशा की मदर को मिला के, टुनिशा को मिला के, हम सब घर पे, हमारे घर पे बैठे हुए थे। सुबह चार बजे तक हमारे साथ थे वो लोग, तो और कैसा इन्वॉल्वमेंट आपको चाहिए। हमें उन्होंने अपने घर पे बुलाया, हम उनके घर पे गए, तो और कैसा इन्वॉल्वमेंट होता है। जहाँ तक उन्होंने कुत्ते की बात की है कि उनको कुत्ते से डर लगता है, उनको कुत्ता पसंद नहीं था और हमने जबरदस्ती कुत्ता दिलवाया, तो मैं ये यहाँ पे अभी क्लियर कर देती हूँ, ये वनीता शर्मा जी हैं, यहाँ पे नीचे संजीव कौशल का कुत्ता है जिसकी 20 दिन पहले डेथ हुई है, और ये जर्मन शेफर्ड है, ये चंडीगढ़ का कुत्ता है, ये फोटो संजीव कौशल के घर का है जो मुझे टुनिशा ने भेजा था, क्योंकि वो उसकी विश थी, बकेट लिस्ट की पहली विश थी टुनिशा की कि उसको एक पेट चाहिए, बिकॉज वो मेंटली बहुत सफर कर रही है और उसको प्यार चाहिए किसी से।